दोस्तों, हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा हमारे डिफेंस सेक्टर में जो टैंक्स के यूज किए जाते हैं, यानी कि जिन तोप का इस्तेमाल किया जाता है, उसे रशिया से मंगवाया गया था, जिसे कि रशिया भी 50 साल से यूज कर रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर में भी इसी टैंक का यूज किया जा रहा है। अभी की बड़ी खबर यह है कि हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा भारतीय डिफेंस सेक्टर के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि अब हम रशिया के पुराने टैंक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया का ये जो पुराना टैंक है, इसे यूक्रेन के द्वारा छोटे छोटे मिसाइल से उड़ा दिया जा रहा है। इसलिए हमारे आर्मी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब हम रशिया से इस तरह के पुराने टैंक नहीं खरीदेंगे और जो भी पुराने टैंक हमारे पास है रशिया के, उसे हम अपग्रेड करेंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होगा। और इसके लिए भारत सरकार इंडियन आर्मी को 57,000 करोड़ रुपया देगी और 57,000 करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट से भारत के 1800 से ज्यादा रशियन टैंक्स को इसे एडवांस AI बैटल मशीन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है, आखिर क्यों इंडियन आर्मी रशिया के इस टैंक्स को रिप्लेस करना चाहती है, क्या ये रशिया यूक्रेन वॉर में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारी इंडियन आर्मी रशिया के इस टैंक्स को नहीं खरीदना चाहती है। तो चलिए जानते हैं ऑल थिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं लड़िया अफेयर्स। कैसे जो T-72 टैंक्स है, ये अच्छा खासा फेमस टैंक्स है, जिसका यूज रशिया के द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर में भी किया जा रहा है और पिछले कई सालों से भारत भी इस टैंक का यूज कर रहा था। और अभी बताया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में इस टैंक की हालत बहुत ज्यादा बुरी तरह से खराब हो चुकी है। इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि रशिया ने अपने 3000 टैंक खो दिए रशिया यूक्रेन वॉर में, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उड़ा दिया गया। तो इन सारी चीजों को हमारी इंडियन आर्मी वो काफी अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर में कैसे क्या क्या हो रहा है, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे वेपन्स जो भारत में भी मौजूद है वो किस तरह से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन सारी चीजों को भारत के इंडियन आर्मी के द्वारा देखा जा रहा है, ताकि भारत और किसी देश के बीच में वॉर हो तो हमारे हथियार हमें धोखा ना दे। कई एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि यूक्रेन के छोटे छोटे मिसाइल के द्वारा रशिया के टैंक्स को उड़ा दिया जा रहा है। इस रशिया यूक्रेन वॉर का अब 2 साल पूरा हो चुका है और वॉर अभी भी जारी है। रशिया अपने टैंकों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड था और अब रशिया का टैंक भी रशिया का साथ नहीं दे रहा है, और इसी चीज को भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो नोट्स कर रहे हैं। तो फाइनली इंडियन आर्मी के द्वारा भारत सरकार से मांग किया गया 57,000 करोड़ रुपया का RFP। RFP मींस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है, वी प्रोड्यूस 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल एंड रिप्लेस द ओल्ड रशियन ओरिजिन T-72 टैंक्स। 2030 तक इन सारे टैंक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जिसे हम टैंक्स बोल रहे हैं उसका ऑफिशियल नाम है FRCBS, यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल। कहा जा रहा है कि इसमें AI को इंक्लूड किया जाएगा, ड्रोन का इंटीग्रेशन किया जाएगा, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस को लगाया जाएगा, मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी, इन सारी चीजों को उसमें डेवलप किया जाएगा अलग से। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से रशिया के टैंक यूक्रेन के द्वारा छोटे छोटे हथियार से उड़ा दिए जा रहे हैं, अगर भारत का फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर युद्ध होता है तो हमारे जो टैंक्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इसे अपग्रेड किया जा रहा है। और जो भी फ्यूचर मैंने आपको बताया उन सबको इसमें अपग्रेड किया जाएगा और लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अलग से नए वाले बनेंगे वो इससे भी बेहतर होंगे। वैसे गाइस आपको बता दें कि ये जो प्लान है, इस प्लान को पहले भी लाया गया था, पहले भी कहा गया था कि हम अपने टैंक्स को अपग्रेड करेंगे, लेकिन उस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, जिससे हमें उन टैंक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था कि टैंक्स टिकेगा या नहीं टिकेगा। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि जो हमारे पास टैंक्स है उनकी हालत क्या है, क्योंकि वही टैंक रशिया यूज कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो उसके सिचुएशन का पता चल गया। अब उसके सिचुएशन को, उसके कैपेसिटी को जान करके हम उसे अपने अकॉर्डिंग अपग्रेड करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है उसमें, जिसकी वजह से रशिया के टैंक को उड़ाया जा रहा है आसानी से। इसके अलावा गाइस, भारत के पास रशिया से लिया गया एक और टैंक्स है जिसका नाम है T-90 भीष्मा टैंक्स। आप इसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपने रिपब्लिक डे के झांकी में भी इस टाइप के टैंक्स वगैरह को देखा होगा, भीष्मा। और ये जो T-90 टैंक्स है, इसे T-72 टैंक्स का ही अपग्रेड वर्जन बताया जाता है। और बताया जाता है कि भारत के पास कम से कम इस तरह के 1200 टैंक्स मौजूद हैं। और अब बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इसमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसमें क्या चेंज किया जाएगा, यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि ये जो T-90 टैंक्स हैं, इसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर को लगाया जाएगा, यानी कि डिजिटल ब्लास्टिक कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। और इस चीज की खबर आज से 2 महीने पहले ही आई थी। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या हम सिर्फ रशिया से ही टैंक्स लेते रहेंगे, क्या हम भारत के अंदर टैंक्स को नहीं बनाएंगे? तो गाइस ऐसा नहीं है, भारत भी मेड इन इंडिया टैंक्स को बना रहा है और इसकी शुरुआत 2021 में ही हो चुकी है। भारत के पास विदेशी अर्जुन टैंक्स है और इस अर्जुन टैंक्स को भारत अब खुद से डेवलप करने जा रहा है। 3 साल पहले इसका अनाउंसमेंट किया गया था कि 7523 करोड़ रुपया की लागत से हम लोग भारत के अंदर अर्जुन टैंक्स को बनाएंगे, और इस अर्जुन टैंक्स को बनाने का काम भारत की जो L&T कंपनी है वो कर रही थी। इसके अलावा भारत सरकार जोरावर टैंक्स का भी अप्रूवल दे चुकी है, जो कि इंडिजिनस लाइट टैंक्स है। ये बहुत ही हल्का लाइट वेट का टैंक है जिसे जोरावर प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, और इस जोरावर प्रोजेक्ट के तहत 17,500 करोड़ रुपया की लागत से 354 इंडिजिनस लाइट टैंक्स को बनाया जाएगा, और बहुत जल्द ये टैंक्स हमारे इंडियन आर्मी में इंक्लूड हो जाएगा।
अयुब की गाइस आप समझ रहे होंगे कि भारत अब टैंक्स के मामले में सिर्फ रशिया पर डिपेंड नहीं है, बल्कि अब इसे हम अपने तरीके से बना भी रहे हैं और अपग्रेड भी कर रहे हैं। देखिए, डिफेंस के सेक्टर में टाइम टू टाइम हमें अपडेट रहना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन देश कभी भी अटैक कर सकते हैं, वॉर कभी भी हो सकता है, वॉर की कोई टाइमिंग नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रहा है हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। और इसलिए अपना प्यारा भारत डिफेंस सेक्टर में हर चीजों को लेकर के अपग्रेड हो रहा है, चाहे वो मिसाइल हो, टैंक्स हो, एयरक्राफ्ट हो, डिफेंस सैटेलाइट हो, हर चीज में हम अपग्रेड हो रहे हैं। अयुब गाइस, आपको इन सारे टैंक्स के बारे में जानकर के अच्छा लगा होगा कि भारत के टैंक्स को कैसे अपग्रेड किया जा रहा है, कैसे नए टैंक्स को लाया जा रहा है। अगर आप भारत से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, भारत के ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।